Press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notifications. आज हम बनाएंगे रबड़ी घेवर. रबड़ी घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए इलायची, केसर, पिस्ता, आधा कप दूध, एक कप चीनी, एक चौथाई कप घी, रबड़ी और एक कप मैदा. सबसे पहले हम एक जार में एक चौथाई कप घी डालेंगे और उसके अंदर तीन चार आइस क्यूब्स डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे. घेवर का जो हमारा घी है वो बनके रेडी हो गया है. अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे और जो हमारा मैदा है वो डालेंगे हम धीरे धीरे करके, और इसके अंदर हम ठंडा पानी मिलाएंगे. ये जो हमारा पेस्ट जो मैदा है वो धीरे धीरे करके डालना है इसमें, और अच्छे से इसको मिक्सर को चलाना है. मिक्सर को आप लो पे चलाइए, कंटिन्यूसली मत चलाइए. अब इसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे. कंटिन्यूसली मत चलाइएगा, थोड़ी देर चलाएं फिर बंद करें, फिर चलाएं, फिर ये प्रोसेस आप जब तक करेंगे जब तक आपका पेस्ट एकदम चिकना ना हो जाए. ये देखिए अब हमारा पेस्ट बन के रेडी है. अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, ये एकदम चिकना होना चाहिए. अब इसके अंदर हम एक नींबू का रस डालेंगे जिससे हमारे जो घेवर है वो कुरकुरे बनेंगे. कुरकुरे बनाने के लिए हमें इसमें नींबू डालना चाहिए. ठंडे पानी का ही यूज़ करना चाहिए. मैदा बनाते वक्त हमने एक पैन में घी गरम कर लिया है. अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं. साँचा है तो आप इसमें साँचा रख के फिर बना लीजिए. अब हम इसमें ऊपर से धीरे धीरे करके चम्मच की सहायता से हमारा जो घेवर का पेस्ट है वो डालेंगे और इसकी एक चम्मच की सहायता से इसके अंदर एक हॉल मेंटेन करेंगे. जब तक जब बबल्स कम हो जाएं तो इसमें वापस से पोर करना है. थोड़ा साइडों में डालना है जिससे हमारे घेवर की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए. और घेवर अगर कच्चा लग रहा है तो इसे एक करछी की सहायता से दबा दबा के साइडों में से सेकना है. हमारा घेवर रेडी है. अब हम चाशनी बनाएंगे. इसके लिए आधा कप हमने चीनी ली है, एक चौथाई कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. चाशनी में बॉईल आने के बाद हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे. हमारी जो केसर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे सोक करेंगे और फिर हम इसमें हमारी चाशनी में मिलाएंगे. अब हम केसर मिलाएंगे. हमारी चाशनी रेडी है. ये हमने एक तार की चाशनी बनाई है. चाशनी को ठंडा होने के बाद ही हमें घेवर के ऊपर लगाना है. गरम चाशनी अपन घेवर के ऊपर नहीं लगा सकते हैं. इसके अंदर हम थोड़ी सी कटिंग डालेंगे. कटिंग्स ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना मत डालें. हमारे सारे घेवर रेडी हो चुके हैं. अब हम चाशनी को ठंडा होने के बाद हमारे घेवर के ऊपर डालेंगे. चाशनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर रबड़ी भी लगानी है तो मैं कम चाशनी डाल रही हूँ क्योंकि रबड़ी भी मीठी होती है. मीठा घेवर है वो हम 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में लगा के. फीके घेवर की जो लाइफ होती है वो 1 महीने के लिए होती है, और जो हमारा मीठा घेवर होता है वो 10 से 15 दिन चलता है. अब हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे अच्छे से, पूरे अच्छे से रबड़ी की कोट कर देंगे. ये एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि राजस्थान में तीज के त्यौहार पे ज़्यादातर बनाई जाती है. मार्केट्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस टाइम पे. ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं. अब हम इसे नट से डेकोरेट करेंगे और हमारा घेवर बनके रेडी है, रबड़ी घेवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.